प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम डेरा मोयनदी मंडी का दर्शन करेंगे। यह पवित्र स्थान हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले में आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित यह डेरा मोयनदी मंडी बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। मोयनदी मंडी, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों की मंडी, यह पवित्र स्थान मूल रूप से एक सेना निवृत्त सेना अधिकारी द्वारा स्थापित किया गया था। इस पवित्र स्थान का वातावरण बेहद ही शांतिमय और आनंदमयी है। यह पवित्र स्थान ब्रह्मज्ञानी संत बाबा प्रेम सिंह जी की तपोस्थली थी। इस डेरे परिसर में ही एक छोटी सी झोपड़ी भी स्थित है, जो कि अपने मूल रूप में संरक्षित है। यह वही स्थान है जहां बाबा जी ध्यान किया करते थे। यह वही पवित्र और दिव्य स्थान है जहां ब्रह्मज्ञानी संत बाबा प्रेम सिंह जी ने समाधि ली थी। यहाँ बाबा जी की पुण्यतिथि हर साल 14 भाद्रों में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इस पवित्र समाधि स्थल में ब्रह्मज्ञानी संत बाबा प्रेम सिंह के साथ साथ अनेक महान और दिव्य गुरुओं और संतों के छाया चित्र भी उपस्थित हैं। यह पवित्र समाधि स्थल बेहद ही पवित्र और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग दर्शन को आते हैं। सतनाम वाहे गुरु। इस पवित्र धार्मिक स्थान पर प्रचलित परंपरा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यहाँ का अनुयायी बनना चाहता है तो उसे खुद को मृत घोषित करना पड़ता है। यानी कि उस अनुयायी व्यक्ति को स्वयं अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदनी पड़ती है और उस कब्र में एक दिन का समय व्यतीत करना होता है।
उस अनुयायी व्यक्ति को अपना अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार की सभी रस्में खुद ही करनी पड़ती है। अंततः अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को संपूर्ण करके वह व्यक्ति अपने आप को मृत घोषित करता है। इन सभी परंपराओं को पूर्ण करने के पश्चात उस अनुयायी व्यक्ति को इस डेरे का अनुयायी या सदस्य स्वीकार किया जाता है। उस अनुयायी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की हर सुख संपत्ति का त्याग करना होता है, यानी कि सांसारिक जीवन का पूर्णतः त्याग करके संत मत को सच्चे मन से धारण करना पड़ता है। सतनाम वाहिगुरु। उस व्यक्ति को स्वयं अपने ही हाथों से टाट या बोरी के वस्त्र बनाने पड़ते हैं और उस वस्त्र को धारण करना होता है, और उस अनुयायी व्यक्ति को प्रधान भोजन ग्रहण करना होता है, जो कि उसे स्वयं आसपास के गुरुद्वारों से बचे हुए लंगर और एकत्र किए हुए अपशिष्ट भोजन से तैयार करना होता है। उसी तैयार किए हुए भोजन को सुखाकर उस अनुयायी व्यक्ति को महीनों तक ग्रहण करना पड़ता है। इस पवित्र डेरे का अनुयायी व्यक्ति आसपास के गांव में रहने वाले बीमार, गरीब, लाचार और असहाय लोगों की मदद करने और गुरु की बंदगी करने में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस डेरे में आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए प्रसाद रूपी लंगर और ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, इस पवित्र डेरा मोयनदीप मंडी का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और मन की शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।